दोस्तों, अगर आपको पोको X3 में एंड्रॉइड 11 की अपडेट मिल चुका है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला है गाइस तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अपने पोको X3 में एंड्रॉइड 11 वाली अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने डिवाइस के लिए फाइल को डाउनलोड करना होगा, जो MIUI की रोम है उसे डाउनलोड करना होगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग अपने अबाउट फोन में जाना है और आप लोग को 3 डॉट्स पर टैप करना है, उसमें वहाँ से चूज अपडेट पैकेज को चूज़ करना। अगर आपके फोन में चूज अपडेट पैकेज का ऑप्शन नहीं आता तो सिंपली इस MIUI 12 के लोगों पर मल्टीपल टाइम टैप करना है, और जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो आपके एडिशनल फीचर्स ऑन हो जाएगा। उसके बाद से आप लोगों को 3 डॉट्स पर फिर से टैप करना है, और उसके बाद आपको चूज अपडेट पैकेज का ऑप्शन दिखने लगेगा। फिर आप लोग चूज अपडेट पैकेज की ऑप्शन पर टैप करना, और टैप करने के बाद आप लोगों जहाँ भी फाइल को सेव किए होंगे सिंपली उस फाइल को चूज़ करिए, ओके करिए, और थोड़ी देर में आपके फोन यहाँ पर डिक्रीट होगा। उसके बाद रिबूट होगा, और रिबूट होने के बाद आपके फोन यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और दोस्तों इस केस में आपका कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा, पर फिर भी सिक्योरिटी के लिए आप लोग अपने इंपॉर्टेंट डाटा का बैकअप जरूर से बना लीजिएगा। और मैसेज जैसे ही पॉपअप होता है रिबूट एंड अपडेट, तो आप लोगों को रिबूट एंड अपडेट कर देना है, आपके फोन यहाँ पर सक्सेसफुली एंड्रॉइड 11 में अपडेट हो जाएगा। इस तरह की और भी टिप्स के लिए गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।